गाइस वेलकम टू द व्लॉग। आज है 22 मार्च और आज नौ दुर्गे शुरू हो रहे हैं और मैं नहा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। वरना मम्मी तो बहुत फ़ोन करके बोलती कि नहा ले आज तो। और मेरे पापा ने 9 दिन का व्रत रखा हुआ है। मेरे मम्मी और मेरे पापा में मतलब एक एक साल करके, एक साल मम्मी रखती है, एक साल पापा, और शायद भैया ने भी रखा होगा आई थिंक। तो आज का कुछ ऐसा प्लान है कि अभी मैंने ये इंस्टॉल पे लगा रखा है, ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, इसका काम करना है, सर को दिखाना है पहले ये, वो चला के बताएंगे कोई प्रोग्राम जो भी कहते हैं। हाँ फिर अभी मैं खाना खा के फिर मैं सोच रही हूँ कॉलेज की डिस्पेंसरी में दिखा के आऊँगी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कफाए जा रहा है, आए जा रहा है, मैं निकालते जा रही हूँ। और रात में भी वही कंडीशन, सुबह भी वही कंडीशन। माल लिया है 40 रुपये का, काफ़ी महंगा है, पर इस समय मुझे कोई 100 रुपये का भी दे रहा होता तो मैं ले लेती हूँ। देख रहे हो ये है डिमांड एंड सप्लाई। यस सर, प्रेजेंट सर। अटेंडेंस देख रहे हैं, ज़्यादा है। कितनी है? दो ही लगाई है मैंने। मेरी कल 5 अटेंडेंस है मेरी, सबसे कम है मेरी। कितनी है? मुझे डिटेन की किसकी शुभांगिनी भी इनिशिएटिव लेती है। बेटा इतना पिटेगी ना, इतना पिटेगी शुभांगिनी, बहुत मारेगा वो। 8 बाकी के एडवेंचर्स भाई सुबह से कर रही है। सबके हाथ खुलते हुए सर की शीट पे, अभी सर आ गए मजा आ जाएगा। हरिओम, किसकी कम है सबसे कम? लीजा की कम थी। यार मुझे डिटेन कर देगा वो यार, मेरी आठ। मैं अब लगा साथ बैठ के डिटेन। तू तो नहीं होने वाली चूतिया बना बना के। वो नहीं करेंगे डिस्पेंसरी और कुछ। ये दोनों शुभांगनी और सेजल मुझे कंपनी दे रहे हैं, पर सेजल का कहना है डिस्पेंसरी इज बैड ऑप्शन, बैड आइडिया ऑप्शन, क्योंकि वो कफ सिरप भी ना पता नहीं छोटी सी बॉटल में रेड कलर की कफ सिरप डाल के पता नहीं क्या जादू टोना करके दे। कुछ भी नहीं, जादू टोना तो नहीं करके देती। ये मनगढ़ंत हो गया थोड़ा, ये सब कालचीयर में नहीं, मेरा बुखार बढ़ गया था जेन्युइनली। बढ़ तो डिस्पेंसरी शिफ्ट हो गई है, ये नहीं पता है, ढूंढ तो लेते हैं फिर देख लेंगे, दवाई देगी, खानी नहीं खानी वो अपने हाथ में। वो पीछे से जाना पड़ेगा, तो कॉलेज पीछे है शायद। ये जो हमारी एलटी है इसके पीछे मेरे को सुनने में आया है कि इधर कहीं जाके शिफ्ट हो गई है, तो जो कि बिल्कुल ये ना अप्रोप्रिएट टाइम है यहाँ जाने का, ना अप्रोप्रिएट लोग है। वो है तो ये डर, ही वांट डिस्पेंसरी लोकेशन, क्योंकि कई लोगों को फिर नहीं जो। हाँ शिवांगी ने मुझे गाइड किया है इस वे में कि मैं अपने ब्लॉग का नाम इसमें डाल सकती हूँ कि डिस्पेंसरी मिल गई, पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। अरे बहुत लोग होंगे जिन्हें पहली बार जाना हो। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है, फिर मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊंगी। तो ये है, यहाँ से हम आए स्ट्रेट और यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। ये होगा किसी प्रोफेसर का घर। अरे ये ग्रीन ग्रीन कब लग गए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है टेंट है, दावत होगी। हमें ये दिखा है अभी हेल्थ सेंटर और यहाँ एम्बुलेंस भी खड़ी है, तो शायद यही है नई डिस्पेंसरी। तो पूरा हॉस्पिटल लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो चेंज कर दिया काफ़ी यार, पहले तो एक कमरा था। वो मुझे बोलेगा कि मास्क आए, मास्क का कोविड है, मेरे पास रुमाल है मैं बांध लूँगी यही मास्क। वो पीछे वो जल रहा है कुछ, बायोटेक वालों का डिपार्टमेंट है, तो शायद यही है। बच्चे कहाँ से आ गए इसमें, स्कूल के? स्कूल के नहीं है अपने, कॉलेज के ही है ये। स्कूल के बच्चे, ये कॉलेज के हैं अपने। मस्त जोक मारा रे। डिस्पेंसरी कुछ इतनी सुंदर हो गई है भाई गॉड, पहले तो बहुत बुरी थी। मैम चाहिए गो एंड जो मैम चेकअप करा रहा था लास्ट करवाया नहीं।
मैं ये फेंसिंग ग्रीन पूरे में ऐसे कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं इतना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं अब इस कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे एक मिनट चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, मैं कह रही थी कि अरे भाई चुप हो जाओ, मैं कह रही थी जब फर्स्ट ईयर में हम आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी कोने में जाओ कॉलेज के आराम से फ्री था सब कुछ। अब तो कहीं भी जाओ गार्ड पूछ लगता है कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी हम डिस्पेंसरी से आए तो हम यहाँ आहार जा रहे थे पराठा खा रहे, तो गार्ड पूछा कहाँ घूम रहे हो बेटा, सब काफ़ी जेल जेल सा हो गया है। और हॉस्टल तक पार्सल नहीं आते हैं, पहले ही रिसीव, मतलब थोड़ा आगे जाके रिसीव करना पड़ता है पार्सल, हॉस्टल तक दे आर नॉट अलाउइंग देम कि हॉस्टल तक पार्सल आ जाए, खाना भी नहीं आने देते ना हॉस्टल तक, आगे जाके लेके आना पड़ता है। दो पनीर पराठे, एक पनीर नहीं दो लस्सी बता दे, नमकीन या जो लड़की पीछे बैठी हुई है दिख रही है क्या? हाँ चेयर पे, एक सेकंड जूम नहीं हो रहा मेरे फोन में। फक, फक, फक! हाँ मत तो ये तब से अकेले सेल्फी ले जा रही, इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में होता है, चेयर लगा के मेरे में तो नहीं है यार, मतलब तारीफ है बच्चों की, मतलब हम तो ऐसे शर्मा जाते कोई कैमरा ऑन कर दे अरे मत खींचो। कुछ लोगों में सच्ची कैफ वो होता है कॉन्फिडेंस। लैंड वैल्यूएशन हो गई है, 2.40 पे 2.20 हो रही है, कोई केस स्टडी डिस्कस करनी है और उसमें हमें अपने व्यूज़ देने होते हैं, तो पता नहीं क्या होगा उसमें। ये क्यों हंसी, क्या बोली है? मेरी डबल चिन दिख रही है, ये देखो तेरी नहीं दिख रही ना, मेरे तो चल रहा है तो मेरी है यार, देख है। मेरी दिख रही है, अब तू जान के दिखा रही है, मैं नहीं काटूंगी ये सब। हाँ मैं जान के दिखा रही हूँ, मैं ऐसे बैठी हुई, तेजल मॉडल की नहीं है डबल चिन। वाह क्या सीन है, लड़ रहे हैं डी ब्लॉक का है वो तो छके से आई गई है शुभांगनी, तुम्हें चलना हो तो चलो और न मत ही जाओ, ये कह रही है कि यहाँ से नहीं है ना शुभांगनी, अब बता कहाँ से है। अभी दोनों एक दूसरे को मारेंगे जो मैं बोला था होगी। अच्छा तो बोल रही थी, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्लास तो नहीं मिली लेकिन हमें मैम मिल गई, ट्यूशन कैंसिल हो गई है, मैम ने हमें गुड न्यूज़ दी। कुछ न्यूज़ पर हम क्यों क्लास करने जा रहे हैं, ये बैड न्यूज़ है अगर इवैल्यूएशन नहीं है तो। टू लीव पीजी जा रही हूँ मैं, और ये मुझे डिटेक्ट नहीं करेगा फिर से, अनरजिस्टर्ड पैसा बर्बाद पहन चोर।